हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फिनिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। सो एज द नेम सजेस्ट क्यूबिक, इसका मतलब है यूनिट सेल क्या होनी चाहिए, हमारी एक क्यूब होनी चाहिए। थ्री टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मीन्स SC, सेकेंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल FCC, एंड थर्ड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल BCC। द फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SC। इसमें क्या होता है, द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द क्यूब ओनली। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 एट एटम्स एट एट कॉर्नर्स। अब हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होता है, ऐसी ये एक एटम ऐसी ऐसी सात और क्यूब्स के बीच में क्या होता है, हमारा लाइक करता है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन उन आठ की आठ क्यूब्स में होगा इक्वल। तो इस एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। एग्जांपल्स क्या हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के, NaCl, CaCl, NH4Cl एक्सेट्रा। ये हैं एग्जांपल सिंपल क्यूबिक के। द नेक्स्ट वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक और द क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल FCC। इसमें क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, द सेकेंड थिंग इज एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब ऑल्सो। अब फेसेस कितने हैं इस क्यूब में, दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस इज आवर सेकेंड फेस, दिस इज आवर थर्ड फेस, दिस इज द फोर्थ फेस, नाउ दिस फ्रंट फेस फिफ्थ, एंड दिस बैक फेस सिक्स्थ फेस। तो छह फेसेस हैं हमारे, तो हमारे कितने एटम्स हो गए, छह ही हमारे एटम्स हो गए इस इन छह फेसेस पर इस क्यूब के। तो फेस सेंटर में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एज वेल एज एट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। देयरफॉर हियर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 8 + 6, 14 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर्स वाले का हमें पता है 1/8 होता है क्यूब में। अब इस फेस सेंटर को कितना होगा, ये फेस इसके ऊपर अगर एक और क्यूब हमारी हो तो इन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। तो इसलिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ दो क्यूब्स के बीच में ही होगा और इक्वल होगा। देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ईच एटम इन इट्स कॉन्टैक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद 12 अदर एटम्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। नाउ अब 12 एटम्स का मतलब क्या है, हर एक एटम, अगर हम इस एटम की बात करें तो ये अपने जैसे 12 और एटम्स के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, 12 एटम्स। देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब कैसे होता है कॉन्टैक्ट में ये हम लोग आगे देखेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, लेड, सिल्वर, निकेल, प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए FCC स्ट्रक्चर के। द थर्ड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और BCC। इसमें क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑल्सो, बट इसके साथ साथ एक एटम प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। वन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। ये हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी जो इस पूरे के पूरे क्यूब का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर भी हमारा एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर्ड में, इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है। एग्जांपल्स क्या हो गए, सोडियम, टंगस्टन, पोटेशियम एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, हमने कुछ अजम्पशंस ली हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूबिक क्रिस्टल की करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे। अब अजम्पशंस क्या है हमारी, द फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सॉलिड्स किससे बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं। सेकेंड अजम्पशन, ऑल एटम्स आर हार्ड स्फीयर, सारे के सारे एटम हार्ड स्फीयर हैं और दे कैन नॉट डिफॉर्म, उन्हें डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो डिफॉर्म नहीं हो सकते। थर्ड वन इज द एटम्स लाई एट द वेरियस लैटिस पॉइंट्स, एटम्स कहाँ पर लाई करते हैं, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर लाई करते हैं। एंड द लास्ट अजम्पशन इज इन अ गिवन सॉलिड द साइज ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल, एक सॉलिड के अंदर जितने भी हमारे एटम्स होंगे सबका साइज क्या होगा, इक्वल ही होगा, किसी का साइज अलग नहीं हो सकता किसी दूसरे एटम से।
अब इन assumptions के बेसिस के ऊपर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? अब हमारे पास ये क्या है, एक क्यूब है, क्योंकि हम क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं. तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सबकी सब सेम डायमेंशन होती हैं. तो अगर हम इस लेंथ को ए, ब्रेथ को बी और हाइट को अगर सी मान लें, तो क्यूब के अंदर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल एन. तो ये हमें दिया जाता है बाय द फॉर्मूला और बाय द इक्वेशन एन सी अपॉन एट प्लस एन एफ अपॉन टू प्लस एन आई. अब एन सी क्या है, दीज आर द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. एन एफ क्या है, दीज आर द एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर. एंड एन आई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द इनर बॉडी और द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब. अब क्योंकि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वन अपॉन एट, देयरफॉर यहाँ पर क्या है हमारे पास, एन सी अपॉन एट, यानी कि जितने हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे एटम उनका वन अपॉन एट कंट्रीब्यूशन. फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, वन अपॉन टू, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर बाई टू. और अगर कोई एटम बिल्कुल अंदर सेंटर में लाइक रहेगा तो वो तो उसके सेंटर में ही लाइक कर रहा है, उसका कहीं बाहर तो कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है. तो इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम्प्लीटली इसी सेल के साथ है, तो प्लस एन आई. ठीक है, अब फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, दिस इज अवर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली. देयरफॉर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 atoms are present at the corners. No atom is present at the any of the face center, and no any atom present at the center of the cube as well. Therefore, here we will have NC is equal to 8, NF is equal to 0, and NI is equal to 0. Using in this equation, we get N is equal to 8 upon 8, that is N is equal to 1. The second is FCC structure. FCC structure में क्या होता है, atoms are present at the corners. कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atoms are present at the corners, therefore NC is equal to 8. Now at the face centers, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 atoms are present at the face centers. No atom is present at the center of the board, center of the cube. Therefore, Ni is equal to 0. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, NC is equal to 8, NF is equal to 6 and Ni is equal to 0. Using these values in this equation, we get 8 upon 8, that is equal to 1, plus 6 upon 2, that is equal to 3, plus 0. 1 plus 3, the number of atoms per unit cell in FCC structure is 4. The last thing is BCC structure. BCC structure में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 atoms are present at the corners. Therefore, NC is equal to 8. No any atom is present at any of the face center. Therefore, NF is equal to 0. But one atom is present at the center of the body of the unit cell. Therefore, Ni is equal to 1 here. Using these values here, we get 8 upon 8, that is equal to 1, plus 0, plus 1. Therefore, the number of atoms per unit cell in BCC structure comes out to be equal to 2. In this way, we get the number of atoms per unit cell in simple cubic, 1, in FCC structure, 4, and in BCC structure, 2. This is the second characteristic of a cubic crystal. बाकी के करैक्टरिस्टिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग. थैंक यू.